सुप्रभात प्यारे बच्चों, तो वेलकम टू योर हिंदी क्लास। और आज हमारा चैप्टर नंबर 8 जो चल रहा था, वे दिन भी क्या दिन थे, वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा चैप्टर नंबर 9, एक माँ की बेबसी। तो चलिए मैं इसको पहले आपको रीड आउट करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, और जब भी हमारी लाइव क्लास होगी तब सबसे पहले इसकी रीडिंग होगी, जो कि आपको करना होगा, तो आप इसकी रीडिंग प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है इस कविता को पढ़ते समय, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है कि एक कविता को पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और किस फीलिंग के साथ वो कविता पढ़नी चाहिए। तो उन्हीं फीलिंग्स के बारे में ये इस वाले पेज पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी है। चलिए पढ़ते हैं और उन्हें फिर पढ़ते हुए फॉलो भी करेंगे। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। यानी कि जब हम इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारा हम भी अपने बचपन में खो जाएंगे, और उस बचपन में कहीं हमें रतन नाम के एक लड़के की, जिसका जिक्र इस कविता में किया गया है, आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, और उसकी माँ, रतन और उसकी माँ का पिक्चर भी हमारी आंखों के सामने बनेगा, जैसे इन्होंने बुक में भी आपको चित्र बना के दिखाया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि आप उस कविता को पढ़ो और वो चीज़ महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन में पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। तो कविता का यही होता है कि जब हम कविता पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं या जस्ट सिर्फ एक चैप्टर है ये समझ के पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप उसका मीनिंग समझ के और बहुत ध्यान से उसे पढ़ें तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को ज़रूर छूती है, क्योंकि उसकी जो लिखने की एक कला होती है वो इस तरीके की होती है कि वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे साथ भी वो ऐसा लगता है कि लाइफ में हुआ है। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ अच्छे से पता चलेगी। तो इन्होंने यही बताया है कि जब भी कभी अगर हुआ भी नहीं है तो, और अगर आगे आपकी लाइफ में कभी वो फेज़ आता है, वो पहलू आता है, तो आपको वो कविता ज़रूर याद आएगी। नेक्स्ट आगे कहते हैं, कविता कहानी सबके साथ यह होता है। कवि चाहे कोई कविता हो चाहे कोई कहानी हो, सभी के साथ ये होता है। अगर हमने आज कोई कहानी पढ़ी है और उसके जैसा मिलता जुलता कोई इंसिडेंस हमारी लाइफ में आगे होता है तो हमें याद आ जाता है कि हाँ, ऐसा कुछ हमने बचपन में पढ़ा था। होता है कभी अपने पेरेंट्स के मुंह से भी सुना होगा कि हाँ, बचपन में हमारी एक कहानी थी इस तरीके की। तो इसमें इसलिए इसे हमें इसे चिंतन होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो ये जो कवि हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि कविता आपको पूरी तरह समझ में नहीं आई है। अगर कविता को पढ़ते हुए आपकी आंखों के सामने कोई चित्र बनता है, कोई इमेज बनती है, इमेजिनेशन में चले जाते हैं आप, तो मतलब कविता का मकसद पूरा हो गया, मीन्स आप उससे रिलेट हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे हम कविता पढ़ते हैं। इसकी कविता है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। यानी कि एक अदृश्य पड़ोस है, अदृश्य पड़ोस से यानी कि एक बच्चा था, अदृश्य पड़ोस यानी कि पता नहीं था कि वो कहाँ से आता था, लेकिन यही कहीं पड़ोस में से आता था। ठीक है, अदृश्य पड़ोस इसलिए बोला गया है कि कहीं यहीं कहीं आसपास से आता था, लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्टली कौन से घर से आता था। तो वो बच्चा आया करता था रतन हमारे साथ खेलने के लिए। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों को, बच्चों की ही तरह था वह, एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। ठीक है, तो देखने से तो वो हमारे जैसा ही लगता था,
लेकिन उसमें कुछ खास बात थी, वो कुछ अलग था। वो क्या अलग था पढ़ते हैं। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो वो कहते हैं कि वो बच्चा हमारे साथ खेलता था, लेकिन वो हमसे कुछ अलग था। हम उसके इशारे नहीं समझ पाते थे, उसके अंदर की बेचैनी नहीं समझ पाते थे, वो क्या कहना चाहता है ये नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता था, वो सिर्फ इशारों से ही बातें किया करता था। इशारे उसके अभी, क्योंकि नए नए जब बच्चे मिलते हैं तो एकदम से नहीं समझ में आते कि क्या इशारा कर रहा है, तो और बच्चों को समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोलना चाहता है। बस उसके साथ खेलते ज़रूर थे। आगे, हर समय ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उसकी उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते। तो क्या होता था कि जितनी देर भी रतन वहाँ पर खेलता था उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी और उसका खेलना वो बैठे बैठे देखती रहती थी कि कैसे उनका उसका बेटा खेल रहा है, और वो अंदर अंदर खुश भी होती रहती थी और अपने आप को बहुत लाचार भी समझती थी। उसकी इस कंडीशन के लिए अफसोस भी करती थी कि वो नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं है, वो उनके साथ बोल नहीं सकता, हंस बोल नहीं सकता, और दूसरे बच्चे इसकी बातें समझ नहीं पाते हैं। तो वो थोड़ा लाचार सी जो उसकी शक्ल थी वो कवि को आज उस टाइम नहीं समझ में आई थी, लेकिन अब जब बड़े होने के बाद वो कुछ समझने लगे हैं इन भाषाओं को, क्योंकि ऐसे काफ़ी व्यक्ति मिल गए उन्हें, तो उसे समझने के बाद वो उन्हें अब समझ में आई कि उस माँ वो माँ कितनी बेबस रही होगी उस टाइम। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखें, छलकती उसकी बेबसी, कि रतन से भी ज़्यादा, अब आज की तारीख में रतन से भी ज़्यादा जब भी मैं ये इंसिडेंस याद करता हूँ बचपन वाला, तो मुझे उसकी माँ की याद आती है कि किस तरीके से वो बेचारी माँ बैठी रहती थी लाचार और बेबस और देखती रहती थी बस अपने बच्चे को। खुश भी होती थी कि देख हाँ कि मेरा बच्चा थोड़ा खेल रहा है, लेकिन बेबसी इसलिए कि बस वो यही सोचती थी कि काश मेरा बच्चा भी नॉर्मल होता और इन सब से हंसता बोलता। तो आज मुझे उसकी कंडीशन समझ में आ रही है, उस माँ की कंडीशन। बचपन में तो वो नहीं समझ पाते थे कि वो माँ क्या सोच रही होगी, लेकिन आज मुझे उसकी लाचारी बहुत फील हो रही है। तो ये आपकी कविता है पूरी, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। नो वर्क फॉर टुडे, आज के लिए आपके पास कोई वर्क नहीं है, वैसे भी नोटबुक भी नहीं है आपके पास। नेक्स्ट हम लाइव होगी या विचुअल होगी, जैसे भी होगी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में तब कराऊंगी। अभी आप इसकी रीडिंग कीजिए, क्योंकि जब भी हमारी नेक्स्ट लाइव होगी उसमें आपकी रीडिंग होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय।